मैंने पहले भी एक ऐसे वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हो तो ऊपर आ जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, उस वीडियो में क्या था कि रंजन शर्मा से पहले मुझे श्री लगाना है, रविन कुमार से पहले मुझे श्री लगाना है, ऐसे जितना भी था मुझे श्री लगाना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों मिल के हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जहाँ पर मेल है मुझे लिखना है श्री और मिस्टर, और जहाँ पर फीमेल है मुझे श्रीमती या फिर मिसेज लिखना है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, उसके बाद हम मिस्टर या मिसेस लिख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सी कॉलम है यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उनका जेंडर एम और एफ से, और उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं उसको करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, वहाँ पर उनका जेंडर यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पर जहाँ पर रंजन शर्मा मतलब एक मेल है, यहाँ पर मैं एम लिखूँगा। उसको लिखने के बाद हम उसको इफ फंक्शन से यूज करके उसको मैं श्रीमती या फिर मिस्टर लिख सकता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पर देखिए रंजन शर्मा एम है, ये मेल है इसलिए मैं एम लिख देता हूँ। रविन कुमार मेल है, यहाँ पर एम लिखता हूँ। उसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, आप अपना एम और एफ दोनों कीबोर्ड की पे दोनों उंगली रखना है, और एक डाउन एरो पर उंगली रखना है। ठीक है, उसके बाद आप कंटिन्यू ऐसे बहुत आसानी से कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जेंडर और फर्स्ट नेम को बेस करके। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले इक्वल टू लगाना है। ठीक है, उसके बाद इफ फंक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अगर ये सी टू मतलब ये सी टू अगर एम होता है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर इन्वर्ट कॉमा, ठीक है, एम होता है, अगर सी टू एम होता है देन यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, नाम से पहले हमें मिस्टर लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट के साथ यहाँ पर मिस्टर लगेंगे। मिस्टर के बाद एक स्पेस देना है ताकि मिस्टर और रंजन के बीच में एक गैप रहे। ठीक है, एंड के साथ हमें बी टू को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर ये मेल होता है, सी टू अगर मेल होता है देन यहाँ पर मिस्टर लगाना चाहिए। ठीक है, अगर मेल नहीं होता है, अगर फीमेल होता है तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें और एक फंक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, उसके बाद कमा देना है, यहाँ पर इफ ब्रेक स्टार्ट, यहाँ पर वही फार्मूला, अगर सी टू इक्वल टू एफ होता है, एफ को इन्वर्ट कॉमा के अंदर रखना है, अगर सी टू एफ होता है देन हमारे यहाँ पर मिसेस लगाना चाहिए। ठीक है, एक गैप देना है, उसके बाद इनवर्ट कॉमा कंप्लीट, उसके बाद एंड एंड फिर से वही बी टू को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन है, ब्रैकेट जितना ओपन किया था उतना आपको क्लोज करना है। यहाँ पर थ्री मैंने ओपन किया है, यहाँ पर थ्री मुझे क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें पूरी फार्मूला को समझना है। ठीक है, अगर सी टू एम होता है तो मिस्टर के साथ नाम रहेगा, अगर सी टू एफ होता है तो मिसेस के साथ नाम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मेल फीमेल दो जेंडर है। ठीक है, अगर ज़्यादा होता तो यहाँ पर हमें और थ्री होता हमें थ्री फंक्शन लगाना पड़ता था, थ्री फंक्शन। ठीक है, जितना होगा हमें उतना ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। देखिए, यह हमारा मेल है इसलिए हमें मिस्टर रंजन शर्मा आ गया। ठीक है, उसके बाद नीचे के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से ड्रा कर देना है जहाँ तक हमारा डाटा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जहाँ पर फीमेल है वहाँ पर मिसेस आ गया, जहाँ पर मेल है वहाँ पर मिस्टर आ गया। ठीक है, ऐसे आप बहुत आसानी से ये काम कर सकते हो। ये तो हो गया मिस्टर और मिसेस लगाने का तरीका। ठीक है, अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हो और उसको बस रखना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, उसको पहले सेव करना पड़ेगा। ठीक है, उसको सेव करने के बाद
ये जो जेंडर वाला कॉलम है उसको डिलीट करना है, ठीक है। ये हो गया एक टाइप का। लेकिन और एक टाइप है, अगर आप चाहते हो यहाँ पर मिस्टर और मिसेस के जगह यहाँ पर मेल और फीमेल, एम है यहाँ पर आपको मेल लिखना है, ठीक है। जहाँ पर एफ है वहाँ पर आपको फीमेल लिखना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वही इफ फंक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लगाता हूँ, देखिए इफ इक्वल टू इफ, ठीक है। उसके बाद अगर सी टू, अगर यहाँ पर सी टू एम होता है, सी टू इक्वल टू इनवर्ट कॉमा एम, अगर सी टू एम होता है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेल लिखना है, ठीक है। एम की जगह मेल चाहिए और एफ की जगह फीमेल आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर ब्रैकेट के साथ और इन्वर्टर कॉमा के अंदर हमें मेल लिखना है। मेल लिखने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ कर देना है, उसके बाद कॉमा देना है। इफ़ यहाँ पर अगर सी टू में अगर एफ होता है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फीमेल लिखना है, ठीक है। इफ़ सी टू, अगर सी टू इक्वल टू एफ होता है देन इन्वर्टर कॉमा के अंदर हमें फीमेल लिखना है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ऑफ कर देना है। जितने ब्रैकेट ऑन किया था उतने ब्रैकेट आपको ऑफ करना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेल आ गया, यहाँ पर एम था इसलिए यहाँ पर मेल आ गया। उसके लिए हम नीचे जाने के लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। देखिए जहाँ पर एम है मेल है, जहाँ पर एफ है वहाँ पर फीमेल आ गया है, ठीक है। ऐसे आप बहुत बड़े बड़े काम को बहुत आसानी से कम समय में कर सकते हो। मुझे यहाँ पर ये डी वाला कॉलम को रखना है और सी वाला कॉलम को मुझे डिलीट करना है, उसके लिए मुझे यहाँ पर उसको मैंने कॉपी कर लूँगा, ठीक है। सिलेक्ट करके यहाँ पर मुझे जाना है पेस्ट स्पेशल पर, ठीक है। राइट क्लिक करके यहाँ पर वैल्यूज पर क्लिक करना है, उसके बाद ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो सी कॉलम है उसको मैंने डिलीट कर दूँगा। ये आपका आ गया है, ठीक है। आप ऐसे बड़े बड़े काम को बहुत कम समय में कर सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ठीक है।